हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है। मैं उठ चुका हूँ बहुत ही सुबह, और मैं नहा वहा कर अब तैयार हो गया हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज भी ब्लॉग बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सुबह सुबह मैं करता क्या हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैं तो नहा वहा के तैयार हो चुका उठ चुका हूँ। तो मैं उठाता हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पूजा और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे, उन्हें तैयार करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से इन्हें तैयार करने के बाद। तो हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल तैयार, अब बैठ चुके हैं अपने आसन पे। अब हम पूजा वूजा करके मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे लोगों को कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, सब कुछ करके खा पी के मस्त सा अब हम लोग जा रहे हैं खेत पे, वहीं पे बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। और आलू खरीदना है थोड़ा सा, वहाँ पे मिल के पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में, अब आइए आपको लेकर चलते हैं किस तरह से आलू को खोद के निकाला जाता है मिट्टी में। आरो में अब की कमी। और हमारे खेत में यहाँ पे चाना भी लगा हुआ है, देखिए इस तरीके से चाना, इस तरीके से चने की भी खेती होती है। अगर जिसको भी खाना है भाई आकर खा सकता है। और इसे भून के, मतलब आग में इसको भून के खाने में बहुत मजा आता है भाई। आगे दिख, मैं उठाऊंगा ये, क्या कहते हैं वो कुदार। आज ये सारा आलू खोद के निकालेंगे भाई, बहुत मेहनत। ठीक फ्रेंड्स, इतना खनने के बावजूद पूरा इतना सा आलू निकला है। तो इतने आलू में तो कुछ होने ही वाला है, अब क्या करें, जो निकला उसे ले चलते हैं। सहनी हमें। तो हेलो फ्रेंड्स, आलू खनवन चुके हैं। आलू तो देखे आप लोग कितना इतना सा कम निकला है। तो अब मैंने लिया ये हसिया और काटेंगे सारा बरसीन, तभी भैंस खाएगी तो दूध देगी ना भाई। तो आइए काटते हैं बरसीन। तो आप लोग सोचेंगे कि ये यार ये तो नया फैशन है, जूता पहन के चारा काट रहा है। तो भाई मैंने शॉर्ट्स अभी बनाया है, तो मेरे प्लीज शॉर्ट्स तो आप लोग देख, तो आप लोग शॉर्ट्स पे तो अपना प्यार है। तो प्लीज भाई मेरे ब्लॉग को भी अपना आप सपोर्ट करें, ताकि मैं भी ब्लॉग भी बनाता जाऊं और शॉर्ट्स भी बनाते जाऊं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी, भाई अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।